ये पावन पवित्र धारा है। हम सबका सौभाग्य कि हमने इस पावन पवित्र धारा पर जन्म लिया। ये भारत भूमि जिस पर ऋषियों की तपोभूमि और ऋषियों की जननी है, और यहीं से मानव पूरे विश्व में गया है। उसी परंपरा के निर्माण करते हुए हमारे आराध्य देव रामनवमी का दिन आ रहा है। उस रामनवमी के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ चैत्र प्रतिपदा नया वर्ष, इन दोनों को प्रश्न है। हम सबका सौभाग्य है कि बरसुन क्षेत्र में इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमें एक मौका दिया और जो इस संगठन से जुड़ करके पूरे जिले में काम करते हैं, इस निमित्त करते हैं कि राष्ट्र के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न हो जो राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बने, राष्ट्र जो अपनी पुनः प्राप्त करें। और राम राज्य ऐसा राज्य था जिसको हम सब लोग आज कहते हैं कि क्या राम राज्य है, वो हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में भी राम राज्य है। इसके लिए हम सब लोग आज निमित्त उपस्थित होकर के हम सौभाग्य मानते हैं कि परसों के आप सभी सज्जन पुरुषों ने समय दिया, और साथ ही साथ हमारे तन सिंह जी, शिवाजी के लोग और हमारे विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री राधेश्याम जी महाराज और जितने भी बैठे हैं, हम सब लोग इस कार्यक्रम को बहुत सफल करने में अपना योगदान देंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़ा पवित्र दिवस मनाने का हम सबको एक मौका मिला। ये मानव को मानव बनाने का रास्ता है, राष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने का रास्ता है, महान शक्ति बनाने का रास्ता है। क्योंकि भगवान राम वो राम थे जिनके बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तो एक अक्षुण, एक अखंड धारा और हर एक के मन में आता है राम का नाम लो, उसी में अपना कल्याण है। तो ऐसे राम की जन्मभूमि नाम से कल्याण करने वाला आप सब लोग मिल करके इस क्षेत्र में रहने वाले सभी भक्त भाविक सभी सज्जन वो इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे, सबका सहयोग करेंगे। क्योंकि ये प्रजातंत्र देश है और भारत की रचना ऋषियों से शुरू होकर के आश्रमों से शुरू होकर के बहुत विस्तृत पूरे विश्व में गई है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा अधिकार भी नहीं है, पर मेरी मन की शंका है कि कभी कभी बैठे बैठे ऐसा विचार आता है कि हम कब उत्पन्न हुए, यानी हमारे पूर्वज आखिर मनुष्य इस पृथ्वी पर कब आया। आखिर तो कभी कभी पहला ऐसा दिन होगा ना जिस दिन पृथ्वी पर मनुष्य आया, और आया था तो वो कौन सी जगह आया, आया था तो वो किस रूप में आया था। आज भले हम 9-10 अरब है पूरे विश्व में, तो सबसे पहले मनुष्य किस रूप में आया, कहां आया, इसका कोई कोई प्रमाण मिलता है हमारे को? तो इतिहासविद, शिक्षाविद, स्वाध्याय जानते हैं कि मानव की सबसे पहली उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है ऋग्वेद। सारा विश्व मानता है कि यदि मनुष्य की रचित कोई प्राचीन पुस्तक है तो वो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद लिखने वाले कहां पैदा हुए, वो यहां भारत में पैदा हुए, हिमालय में पैदा हुए। इसका मतलब हुआ सबसे पहले मनुष्य संतति ऋषियों के रूप में भारत में पैदा हुई और फिर पूरे विश्व में फैली। तो हम सब तो सौभाग्यशाली हैं जो हमारा सबसे प्रथम पुरुष ऋषि के रूप में उत्पन्न हुआ, उस धरा पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला, उस परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, जिस कोख में ऋषि पैदा हुए उसी ऋषि परंपरा में हमारा जन्म हुआ। कालांतर में मनुष्य के साथ साथ बहुत परिवर्तन हुए, देश दुनिया विश्व के अंदर मानव फैलता गया,
अपने अपने ढंग से अपने अपने सिद्धांतों से अपने जीवन शैली को जिया, परंतु जड़ और मूल वो यही है, यही से हम सब मिलते हैं। परिस्थितियां बनती गई, बिगड़ती गई, मनुष्य अपना स्वभाव प्रकृति व्यवहार बदलता गया और उसने विभिन्न प्रकार की अपनी पद्धतियां अपनाई, अपने जीवन शैली एक अलग पद्धति से जीना सीखा, अपनी आराधना पद्धति अपने अलग से बनानी शुरू करी, परंतु उद्गम स्थल तो यही है ना। इसलिए इस परंपरा को सनातन परंपरा कहते हैं, जिसका कभी अंत न हो। जिस परंपरा का कभी अंत नहीं हुआ वो होता सनातन। हमारी इस परंपरा का कभी अंत नहीं हुआ है, और हमारी परंपरा जिस परंपरा का हम सब लोग निर्वहन करते हैं, ये परंपरा ऐसी दिव्य परंपरा है कि मनुष्य को मनुष्यत्व की तरफ ले जाती है, मनुष्य को मनुष्य बनाने की तरफ ले जाती है, मनुष्य को जीवन जीने की शैली सिखाती है कि आपको जीवन कैसे जीना है, मनुष्य को मनुष्य के पास बैठना सिखाती है कि आप कौन हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध करवाती है कि आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए हो तो आपका कर्तव्य क्या बनता है। फिर मनुष्य को कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी परंपरा, हमारा जीवन, हमारे शास्त्र ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम कभी वहां ये नहीं कहेंगे, हमारी परंपरा ये नहीं सिखाएगी कि चाहे कुछ भी हो, किसी को समाप्त करना पड़े तो करें, हम ही हमरे ना। हम कहते हैं जी और जीने दो, हम कहते जी और जीने दो। तो पूरे विश्व के अंदर वातावरण ऐसा बने, पूरे विश्व के अंदर ऐसा वातावरण बने, इसके लिए पुनः हमें वही काम करने पड़ेंगे। इस समय पूरे विश्व में एक वातावरण दूषित बना हुआ है, पूरे विश्व के अंदर वातावरण दूषित है, देश प्रदेश और पड़ोस में भी वातावरण दूषित बन गया है। उसका निराकरण यही है कि हम अपने जड़ों से जुड़ करके पुनः वही काम करें, जिसे मानव के अंदर बना हुआ बैठा हुआ राक्षस नहीं राम बोले, राक्षस नहीं पैदा होना चाहिए मन में, राम पैदा होना चाहिए। राम सबके होते, राम सबके हैं, राम सबके लिए। राम ये कहते हैं कि जियो जीने दो। राम कभी हमें राक्षस नहीं बनाएगा, राम हमें राम की तरफ ले जाएगा। और इसलिए शब्द भी देखो कितना अच्छा बनाया अपने पूर्वजों ने, मठी ये गांव में तो राम बसे है, गांव में राम बसे है, कई गांव में कई बात करो ये गांव में तो राम बसे है। अपने इन क्षेत्र में मो राम बसना चाहिए, रावण या राक्षस नहीं आना चाहिए। हमारे मन में राक्षस भाव नहीं आवे कि बस वही जरूर बाकी साधन मारो काटो खत्म, नहीं, राम भाव होना चाहिए। राम भाव तो तभी होगा जब हम राम के पद चिन्ह पर चलेंगे, राम के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, राम में आस्था रखेंगे, हम ही नहीं हमारी संतानें रखेंगे, हमारी बच्चे भी रखेंगे। राम राज्य लाना है, गांव में राम बसाना है, मेरे हृदय में राम बसे, मेरे पड़ोस में राम बसे, मेरे अपनों के घर में राम बसना चाहिए। राम है वहां शांति है, राम है वहां त्याग है, राम है वहां समर्पण है, राम है वहां सेवा है, राम है वहां परोपकार है, राम है वहां सब कुछ है। राम नहीं निकलना चाहिए कि ये तो राम में मर गए, पानी कोई उमदा पादरा काम कर राम मर गए, डूब गए, राम मर गए। इसलिए अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा मौका आया है कि भगवान राम की रामनवमी के दिवस और सृष्टि की जब रचना करके भगवान ने मनुष्य को बनाया वो दिन ये चैत्र प्रतिपदा है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर कोई कार्यक्रम करते हैं ना, तो कार्यक्रम करते तो मुख्य अतिथि के लिए हम लोग सब पलक पावड़े बिछा के प्रतीक्षा करते हैं, उसकी एक एक चीज की व्यवस्था देखते, उसका आसन कहाँ होना चाहिए, उसकी कुर्सी कहाँ होनी चाहिए, उसको पानी कैसे पिलाना, क्योंकि वो आज का हमारा मुख्य अतिथि है ना, ये व्यवस्था के अनुसार होता ना। ठीक ऐसे भगवान ने सृष्टि की पूरी की रचना की, सब बनाया उसने, प्रकृति में सब प्राणी बनाए, जीव जंतु बनाए, नदी नाले बनाए, मनुष्य को उसके बाद में लाए,
क्योंकि भगवान ने कहा कि तू मुख्य है इस प्रकृति के लिए। और जिस दिन भगवान ने मनुष्य को प्रतिपद अवतरित उत्तरित किया था वही यह दिन है चैत्र प्रतिपदा। इसलिए हमें इस भाव से मनाना है कि हमारा अवतरण इस दिन हुआ है, हमारा प्रथम दिवस ये है। तो चैत्र प्रतिपदा ही हमारा नूतन वर्ष है। हम सब का पूरे विश्व में जा बैठे हो प्रधान जो है वो ये है। बाद में जिन जिन के जो जो धर्म खड़े हुए संप्रदाय खड़े हुए उनका अलग कालखंड है, हमारा कालखंड तो सनातन है, आदि अनादि है। इसलिए ये कालखंड हम सबको बनाना है। राम नवमी और चैत्र प्रतिपदा विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस भाव से मनाए कि विश्व दिवस इस प्रकार मनाते हैं, इस प्रकार ये चैत्र प्रतिपदा पूरे विश्व में मनानी चाहिए। इसका जिम्मा जिम्मेदारी मूलतः हम सबकी बनती है कि हम मनवाएं। मेरा ऐसा निवेदन है आपसे कि बड़े हर्षोल्लास से मनाना, सब आना इसको एक बहुत भाव से, क्योंकि ये साफ संभवतः पहली बार या दूसरी बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है फरसुल क्षेत्र में, पहली बार हो रहा है। बड़े हर्षोल्लास से सभी भाग देना, अपने आस पड़ोस में इसलिए मुसलमान समाज के भी लोग हो उनको भी कहना हमारी नाम हमारी नहीं अपनी राम नवमी है, क्योंकि आप भी यहीं से निकले हो, दो चार दस पीढ़ी पहले आप भी राम के उपासक थे, आपका भी पूर्वज यही है। चाहे आप देश में बैठे चाहे दुनिया में बैठे हो, पर ये पूर्वज आपका, ये आपका है। इसको उस भाव से मनाना कि हमारी जड़ें कौन सी है, हम कहां से निकले हैं, और उसमें पूरा सहयोग करना तो आपकी शोभा बढ़ेगी। रामनवमी तो मनाई जाएगी हर्षोल्लास से, परंतु आपकी शोभा आपका आपको यदि कुछ एक अच्छी नजरों से लोग देखेंगे कहेंगे बहुत बढ़िया, इन्होंने देखो रामनवमी को किस प्रकार से फलसों में मनाया। रामनवमी तो धूमधाम से मनाई जाएगी, परंतु उनका भी पूरा सहयोग रहे, उचित समझे तो वो जरूर आए और इसमें पूर्ण रूप से रामनवमी में हम सहयोग करें। आपसे इतना ही निवेदन है कि उस दिन रामनवमी के दिन जो अपना जुलूस निकले उसमें बाल बहने माताएं बड़े बुजुर्ग सब आना, इससे बड़ा हमारे लिए कोई दिन नहीं है। 12 महीने में एक दिन आपको इसको बड़े हर्षोल्लास प्रेम से मनाना है, और वो मौका अपने को पहली बार फलसुन में मिला है। ये हम सबको बड़े भाव से तन से मन से धन से इस कार्यक्रम में अपना योगदान देना है। इस आशा के साथ आप सबको बुलाया, आपका बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे मुझे पता है, पर मेरी भी कुछ व्यवस्था थी। आज हमारे बीच में बहुत बड़ी एक दिव्य आत्मा हमारे क्षेत्र की स्वर्गवास हुआ उनका, जब हम लोग पहुंच गए तो ये अनुमान नहीं था कि इतना समय लग जाएगा। आगे वाला ने मुझे सूचना दी कि 1:30 बजे तक हम पूर्ण तैयारी करके प्रस्थान करेंगे मेरा सिंह जी के, तो परंतु वो कुछ विलंब हो गया इसलिए मैं आपके बीच में विलंब में पहुंचा। पर मैंने देखा आप सब लोग बैठे हो, यह आपने क्या किया, यह आपने साधना की, यह आपने क्या किया, यह आपने तप किया। साधना तप कभी निष्फल नहीं जाएगा, इसका परिणाम मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप पर भगवान की, आपके इष्ट देव की, विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बैठे आपके ऊपर कृपा होगी, इसलिए आपने जितना किया है इसका कई गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। परंतु इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उस दिन हमें पूर्ण मन से लग करके करना, जिससे और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। कोशिश ये करना प्रत्येक परिवार से माताएं बहनें पुरुष वृद्ध सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कुछ साधनों की आवश्यकता रहेगी तो स्वेच्छा से अपने साधन, जैसे ये व्यवस्था मंडल अपना आज का बनाया, ये जो जो व्यवस्थाएं करें, जिन जिन साधनों की आवश्यकता रहे, झांकियों की आवश्यकता पड़े समाज वाइज, तो उन झांकियों की भी तैयारी कर, विद्यालय जितने हैं उनसे संपर्क करके उसकी झांकियां बना जाए। हमारे बीच में मुस्लिम समाज का भी भक्त बैठा है, वो भी राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपकी इच्छा तो आप भी अपने ला सकते हैं झांकी, आपको अच्छा लगे तो झांकी ले आना राम के नाम की कोई कोई बना करके। आपका परिवार आ सकता है, पर
भाव वो हो कि हम उस जड़ों से जुड़े हुए हैं, इसी मूल से निकल करके कहीं और पद्धति में गए हैं। हम मूल जड़ तो हमारा राम ही है। हाँ, गांव में भी राम रहना चाहिए, समाज में भी राम रहना चाहिए, मेरे हृदय में भी राम रहना चाहिए, तो सब कुछ राम है। कुछ आवश्यकता और रहेगी, दुपट्टे, स्टिकर और पताका है वो, उसके बारे में आपकी चर्चा हुई है किसी से भी? तो एक मैं आपके सामने सुझाव रखूंगा कि जहां हनुमान जी विराजते हैं तो वो हम कहते हैं उसको संकट मोचन, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारी ऐसी आस्था और सत्य भी है, हनुमान जी की शरण में भाव से गए तो उसका संकट का मोचन हुआ, चाहे कोई भी गया। और जिनके आराध्य थे हनुमान जी के, जो आराध्य थे भगवान राम है, उनकी कृपा हो जाए तो हमारे सारे सारा कल्याण हो जाएगा। घर के अंदर एकदम राम जैसा वातावरण, राम राज्य जैसा वातावरण हो जाएगा, क्लेश झगड़े टट्टे दूषित वातावरण वो एकदम शांत होगा। तो ये पताका एक प्रतीक है, उनका ही प्रतिरूप है, भगवान राम का, भगवान हनुमान जी का प्रतीक है। उससे भी आगे यदि ओम पताका है तो ये सबका प्रतीक है, सभी देवताओं का एक निचोड़ है ओम। तो दो तीन प्रकार की पताकाएं उपलब्ध करवाई गई व्यवस्था कमेटी, और वो प्रत्येक घर के ऊपर लगवाना आपका कर्तव्य बनेगा अपने बच्चों से। और एक प्रतिस्पर्धा, एक होड लागनी चाहिए, अरे हमारे पताका फूकी की कर, हमारे घर पताका आनी चाहिए, पताका आनी चाहिए, गाड़ी बांधे, मोटरसाइकिल बांधे, भी हमारे घर पताका लगाने की बड़ी कहीं अड़ोड़ी नहीं है, हमारे भगवान हनुमान जी की राम री पताका लागू नहीं, हमारी गाड़ी में कोई संकट नहीं आवे, मोटरसाइकिल माध्यम नहीं आवे। तो पताका लगाने का भी इस दिन से अपने को लगानी है। जो फोटो जगह ना स्टिकर को घर मुख्य द्वार प्रवेश करते हनुमान जी रो फोटो लगाओ या श्री राम रो लगाओ, एक स्टिकर चिपकाना है। गाड़ी माध्यम है, मोटरसाइकिल माध्यम भी एक स्टिकर चिपकाना है। कि व्यवस्था फरसून क्षेत्र में कितनी पताका लगनी चाहिए, कितने स्टिकर आने चाहिए, कितने दुपट्टे आने चाहिए, ये फरसून क्षेत्र को ही तय करना है। उसका जो लगेगा न्यूनतम वो आप भक्तों को ही व्यवस्था करनी है। कल्पना कीजिए कि अपना जो ये कस्बा है शहर, इसके अंदर कितने घर घर होंगे ढंग साहब, लगभग निवास कितने होंगे रतन साहब? हाँ प्रॉपर काम है, यहाँ तलिए गांव तलिए दुकानें, कुल मिलाकर के 1000 पताकाएं अपने इस खेत केवल कस्बे में आसपास परसों 1000 पताकाएं हम लोग बस्तियों में, और था कोई ढाड़ियां घर है था, संभवतः ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कई गांवों के आए हुए हो आप लोग, ठीक है ना? तो अनुमान तक कितनी पताकाएं अपने को लानी है वो एक मोटा मोटा आप है, वहां मोटरसाइकिल गाड़ी, फिर केवल पताका ही नहीं है स्टिकर भी है। मोटरसाइकिल गाड़ी पर स्टिकर कई दिन तक अपना लगा रहेगा। अब मेरा इतना निवेदन है कि हम लोग उसके लिए कुछ ये करेंगे कि भाई चलो 100 पताका मेरी तरफ से कर दो जो लगेगा, ठीक है ना? 50 पताका मेरी तरफ से कर दो, 50 स्टिकर मेरी तरफ से कर दो, 100 पताका, 50 स्टिकर और 10 दुपट्टे, एक सामान्य बात। कोई थोड़ा ज्यादा कर सकता है तो भाई 150 कर दो पताका, 200 पताका, झंडा झंडिया, पताका मतलब झंडी, भगवान राम की झंडी है जो हमारी तरफ मिले, 500-200 झंडिया लाग लगे, कोई 100 रहा करो, कोई 200 रहा करो, कोई 500 रहा करो, तो थामो बन सके तो आज थोड़ा सा सहयोग आपने ओड़ी चला। और पताकारी कीमत आपने पता किया कितनी है? छोटी पताका, छोटी पताका 10 रुपया में मिल जाता, जो अपना आराम हो, गाड़ी माथे लगा सको, मोटरसाइकिल माथे लगा सको और घर माथे भी लगा सको। पर छोटी पताका 10 है तो 100 रुपये कितनी आई? 10। आप मान लो 500 रुपये आई 50, 1000 रुपये आई 100,
जहां तक हो सकता है मेरे हिसाब से 3-4 श्रेणियां आप दे सकते हो कि भारत तरफ हमारे 50 झंडिया तरफ एक लगानी राम ने, ठीक है। कोई कह दो भाई हमारी तरफ हूं 10 कर दो, कोई कह दो भाई 500 कर दो, 100 कर दो, तो कुल मिलाए अपनों अभी आते करना है कि लगभग 3-4 हजार पता कहे हम सबको कैसे लेनी है। एक नंबर तो आज तो नहीं आए सेठ जी, उनसे भी आप संपर्क कर लेना। आज आए हैं जिनको पताकाओं के लिए स्टिकर भगवान रा फोटो वाले लिए और भगवान रा दुपट्टे के अंदर धारण करण दुगे लिए, जे आप सहयोग करना चाहो तो आज सहयोग कर दिया, नहीं तो थोड़ा सा आप संपर्क कर दिया। जो को भी भाई इनमें सहयोग करे तुरंत इनो कारण हूं बताओ अपना कि अपन ऑर्डर तुरंत देनो पहले ऑर्डर, क्योंकि राम नवमी माथे पताका मिलेगा को नहीं अपन, वो पहले बुक करनी पड़े। तो अपे आज काले 2 दिन में बुक कर अपना भाई कि बीमारी पता को ए पैसा जमा कर मारी फरसों में इतनी पता को आनी चाहिए दजावती आनी चाहिए। तो इन्हें लिए आप जो करें मैंने पूरी आशा है कि वो ऐतिहासिक रेला होगी इनमें 36 सीट को सब लोग इनमें साथ देना और ए हेंगो रो कोई एक धर्म रो एक जाति रो वो है नहीं, एक समाज रो है नहीं, हम अपर हेंगो रो राम है और राम रे नाम माथे अपना एक काम जागृति लाड़ी है जैसे वो घर में राम बसे, मन में राम बसे, पड़ोस में राम बसे, क्षेत्र में राम बसे, राम राज्य आवे, इन्हीं लिए अपन राम नवमी दिन क्षेत्र बस रहे उपलक्ष्य में अपन एक काम करना हो सही लागो की कर बोलो भाई, इन्हें लिए थोड़ा है मैंने बुलाया ओ मोटो मोटो थोड़े हम राखे हो। इन्हें बीच में अपने आया है शिव जी आया है, आप तनसिंह जी पधारे हैं, अपने जिले रहे हैं मुखिया ये काम कर ली और आप लोगों ने कमेटी बनाई मिले ना आपको हमारी जटे भी आप आवश्यकता लागे होते हूँ आप रे हर काम में भिड़ो हर काम में जद भी आप को ला हूँ हर पर काम रे वहाँ पर भिड़ो इन काम में ये हिसाब सफल करना इतो कह में हमारी बात में पूरी करा दूजो कोई डिस्कस करना हुए तो और मने थोड़ो है आप जड़े ओलियों चढ़ा लो पता का लिखवा दो नेपाल में भी जी बात करो मार्केट में ठीक है। जो आप पता का तय कर लिया आपने कितनी पता करनाएंगे 4-5 हजार ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब देखो स्टिकर भी मंगाना पड़ना स्टिकर आप 1000 तो स्टिकर करो हाँ नहीं स्टिकर है जी क्या हाँ 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 बस बीच में माँ भारती का फोटो हो राम का फोटो हो कोई भी जो भी एक फोटो अपन सेलेक्ट कर लो वो फोटो ला जा और नवर्स में है वो कितना स्टिकर कितना बनवाना केवल आप अपने फर्श में डाल दिए ये आप है जिम्मेदारी भाई कई लोगों को करें बताया ठीक है नहीं बोलो बोलो सदगुरुदेव की जय जय श्री राम जय जय श्री राम।